विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध देवघर में एक नए हवाई अड्डे के निर्माण की योजना बनाई गई है। ये हवाई अड्डा DRDO, झारखंड सरकार एवं भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के सहयोग से एयरबस 320 किस्म के विमानों की उड़ान के लिए तैयार किया जा रहा है। 600 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस हवाई अड्डे के निर्माण की लागत लगभग 400 करोड़ रुपए होगी। देवघर हवाई अड्डे की विकास परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस ये नया टर्मिनल भवन स्थानीय जनजाति कला तथा राज्य के पर्यटन स्थलों के माध्यम से इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति को उजागर करेगा। देवघर हवाई अड्डे के विकास से पर्यटकों विशेष रूप से बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन हेतु आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। हवाई अड्डे के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा आजीविका हेतु पर्यटन पर निर्भर स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। रांची के बाद अब देवघर हवाई अड्डा भी देश के अन्य भागों से जुड़कर झारखंड के उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य के निर्माण में सहायक होगा।